नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उषा देवी है, उषा एक आसक। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम उषा देवी है, उषा विलेजपुर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं सभी लोगों को ईद मुबारक देती हूँ सभी को। और दोस्तों, मैं ईद का दिन है, मैं एक लोग के भी हैं, मैं बहुत मतलब गरीब हैं दोस्तों, मैं उन्हीं के घर बनाने वाली थी सिवई। तो उन सास पोतों हैं जो उन लोगों से बिल्कुल बैठ नहीं रहा है इस समय, तो ये सब तो हर घर होता है दोस्तों। पर अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं सोच रहा, उन लोग सोच रहे थे हमारे घर ना बनाए क्योंकि थोड़ा लफड़ा इसमें है। तो मैं अपने घर बनाऊंगी, ले चलूँगी उनके घर दूंगी। तो हमारे वीडियो को आप लोग आराम से पूरा देखिएगा। चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो दोस्तों, सिवई का वीडियो बनाने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। जो एक विदेश में रहते हैं भैया, तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया था। तो मैंने बोला था उनसे कि भैया, अपने देश का एक आता पेड़ पौधे आता कोई सब्जी का वीडियो बनाकर आप हमारे मुझको भेजिए तो मुझे अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, उन्होंने मुझे भेजा था। तो ये है, तो दोस्तों ये है अंजीर, इंग्लिश में इसे फिग बोलते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है और देखने में दोस्तों बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं, और दोस्तों खाने में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद और बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों, उन्होंने मुझे वीडियो भेजा था, तो मैंने सोचा कि उन्हें आप लोगों को दिखा दूं, क्योंकि हमारे गांव हमारे देश में तो बहुत कम ही देखने को मिलता है, विदेशी चीज़ है तो कौन नहीं चाहेगा इसे देखने। तो मैं तो देखी हुई हूँ और आप लोग भी देख लीजिए। चलूंगी मैं उनके घर, और आप लोग भी चलिए। दोस्तों, मैंने आग को जला लिया है, अब इसी में भगोने में मैंने लेव लगाया है जिससे हम साफ करने में आसानी हो। भगोने के अंदर से मैंने अच्छे से साफ कर लिया, अब इसको रखते हैं चूल्हे पे। तो भगोना हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डालते हैं देसी घी। देसी घी में बनाने से सेवई का स्वाद बहुत ही बढ़िया होता है। अब देसी घी में ये सेवइयों को डालकर हम भूनते हैं। आप थोड़ा थोड़ा करके भी भून सकते हैं, मैं भगोना मार काफ़ी बड़ा है, मैं साथ में डालकर भून लेती हूँ। तो हमने इसको अच्छे से भून लिया है, अब मैं इसको उतार देती हूँ नीचे। दोस्तों, बिना भुने ही इसको बना सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा देसी घी में भून लिया है, अब मैं बगल में टाठी में निकाल लेती हूँ। वही भगोना मैं दोबारा चूल्हे पर रखती हूँ। हेलो, अब इसी भगोने में हम बनाएंगे सीरा। तो थोड़ा सा पानी डालते हैं। अब हमने ये 2 किलो चीनी लिया है, उसको भी बारी बारी से डाल देते हैं। तो देखिए, हमारा चीनी घुल गया है थोड़ा सा। इसको मैं सीधे जैसा बनाऊंगी, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करूंगी। तो सीरा हमारा पक रहा है, देखिए इसमें से उबाल आ रहा है, और चीनी हमारी बहुत वाइट थी तो इसमें गंदा नहीं निकल रहा है।
जो मही निकलता है। तो ये हमारा सीरा बनकर तैयार है, देखिए मतलब कि बहुत आराम से गिर रहा है। तो ज़्यादा इसको हम गाढ़ा नहीं करेंगे, अब उतार देते हैं चूल्हे पर से। तो दोस्तों इसको अच्छे से मैं पहले ठंडा करूँगी, उसके बाद ही सेवई डालूँगी। तो हमने गरी को काट लिया है, काजू लावा और बादाम, ये खोआ है तो खोआ को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब हमारा सीरा भी ठंडा हो गया है, तो सबसे पहले मैं ये सूजी को सीरे में डालूँगी। मैं लावे को डाल देती हूँ, बादाम को, ये काजू, गरी, अब मैं खोए को डाल देती हूँ। अब सभी चीजों को डालकर हल्के हाथ से मिलाते हैं। तो ऐसे ही मैं आराम से मिला लेती हूँ। दोस्तों इस तरीके से बनाएंगे सेवई तो बहुत ही बढ़िया बनता है। तो हमने ये बना लिया है और थोड़ा सा इसको पहले अच्छे से मिला लेते हैं। तो हाथ से हमने मिला दिया, थोड़ा जल्दी हो गया और देखिए बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। तो सीरा भी इसमें है या तो ये इमामी सेवई है, तो बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। देखिए जो थोड़ा सा ये जैसे सीरा सीरा तक ऊपर तक आ रहा है, तो इमामी सेवई कई तो प्रकार से सेवइयाँ उन लोग बनाती हैं, तो मैंने इमामी सेवई बनाया है तो बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। तो देख लीजिए आप लोग। तो दोस्तों मैं बस सारे बच्चों को यहीं पर बुला ली हूँ और इमामी सेवई हमने बना लिया है, अब बच्चों को रोटी भी दे रही हूँ और इसी में बच्चे लोग को खिला दूँगी। बच्चे को दोनों को बांट दिया है, अब मैं इस कटोरे में थोड़ा सा निकाल कर बच्चों लोग को खिलाऊंगी। आप लोग बताइए अच्छा बना है कि नहीं? हाँ। तो मच्छी को डाल दो। तो दोस्तों आज ईद का दिन था तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैं इन लोगों को सेवइयाँ बनाकर खिलाई तो बच्चे लोग
खा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो अब लोग दोस्तों, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सेवैया हमारा कैसा बना है, और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। उषा विलेज फूड चैनल को अगर आप लोग मदद देना चाहते हैं, पेट्रियोट के जरिए दे सकते हैं, अगर हमारा काम आप लोगों को अच्छा लगे तो। Mama